आज हम जानेंगे रेनो कंपनी के बारे में कि रेनो कंपनी की सभी गाड़ियों की सेल्स अब तक कितनी हुई है और कौन सी गाड़ी बंद हो गई और कौन सी गाड़ी अब तक मार्केट में अवेलेबल है, तो जानते हैं इस वीडियो में। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। पहले मैं बात करता हूँ जो बंद हो चुकी हैं, रेनो कैप्चर। ये SUV गाड़ी थी, इसे इंडिया में नवंबर 2017 में लॉन्च करा गया था और दिसंबर 2019 में बंद कर दिया गया। इसकी लाइफ टाइम सेल्स हुई है इंडिया में 6,618 यूनिट, यानी इतने सालों में इतने यूनिट। और इसकी सबसे ज़्यादा जो सेल्स हुई थी वो नवंबर 2017 में ही हुई थी, जो कि 1,119 यूनिट बिकी थी, यानी ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी जब ही सबसे ज़्यादा बिकी थी। और ये गाड़ी सेम थी जो कि ग्लोबल में रेनो कैप्चर के नाम से लॉन्च हुई थी। इन दोनों गाड़ियों में सिर्फ स्पेसिफिकेशन का फ़र्क था और इस गाड़ी को ज़्यादा रेस्पॉन्स तो नहीं मिला और इस गाड़ी की सेल्स भी काफ़ी कम होती थी। फिर दिसंबर 2019 में इस गाड़ी को बंद ही कर दिया गया। फिर आई रेनो कॉलियस। ये गाड़ी इंडिया में SUV गाड़ी थी, इसे अक्टूबर 2011 में लॉन्च करा गया था और फरवरी 2016 में बंद कर दिया गया। इसकी लाइफ टाइम सेल्स थी 1,052 सिर्फ, जी हाँ। और ये एक प्रीमियम SUV गाड़ी थी। इंडिया में इतना आसान नहीं था इस गाड़ी के लिए प्रीमियम SUV से कॉम्पीट करना और ये गाड़ी काफ़ी बेकार साबित रही और ये गाड़ी इंडिया में बहुत बुरी फेल साबित रही। रेनो स्केल, ये सिडान कार थी, इसे इंडिया में अगस्त 2012 में लॉन्च करा गया था और फरवरी 2017 में बंद कर दिया गया। इसकी लाइफ टाइम जो सेल्स हुई थी 13,334 यूनिट बिकी थी। ये कार रीबेस्ड वर्जन थी निसान कंपनी की सनी का, बस इसकी थोड़ी लुकिंग अलग थी, बाकी सब सेम था। शुरू में तो इस कार की सेल्स ठीक ठाक हुई पर टाइम गुजरने के बाद इस गाड़ी की सेल्स काफ़ी कम हो गई थी। फिर रेनो ने इस गाड़ी को बंद ही कर दिया। रेनोलॉजी, रेनोलॉजी इंडिया में रेनो की ओर से पहली MUV गाड़ी थी और इसे अप्रैल 2015 में लॉन्च करा गया था, फिर दिसंबर 2019 में बंद कर दिया गया। इसकी लाइफ टाइम जो सेल्स थी 18,079 यूनिट थी। लॉजी इंडिया में 7 वेरिएंट के साथ आई थी। लॉजी STD 85 PS वाली, RXE 85, यानी कि इसमें दो पावर आती थी, एक तो 85 एक 110, एक 7 सीटर थी और दूसरी 8 सीटर। ये कार इंडिया में लॉन्च हुई थी मारुति अल्टिका को कॉम्पीट करने के लिए, लेकिन ये उसके सामने नहीं टिक पाई। फिर आई रेनो फिलियंस। ये सिडान कार थी, इसे जून 2011 में लॉन्च करा गया था और फरवरी 2017 में बंद कर दिया गया। इसकी लाइफ टाइम जो सेल्स हुई थी 4,331 यूनिट बिकी थी। आपको बता दें कि ये गाड़ी बंद होने वाली थी उससे पिछले, जब ये गाड़ी बंद होने वाली थी 16 महीने में सिर्फ 24 यूनिट बिकी थी। ये कार पहली कार थी इंडिया में रेनो की और रेनो ने प्रीमियम सेडान सेगमेंट में टारगेट किया था, लेकिन ये कार अच्छी साबित नहीं हुई इंडिया में। फिर रेनो पल्स, ये हैचबैक कार थी इंडिया की, इसे जनवरी 2012 में लॉन्च करा गया था और मई 2017 में बंद कर दिया गया। इसकी लाइफ टाइम जो सेल्स थी 18,253 यूनिट बिकी थी। ये कार निसान माइक्रा का रीबेस्ड वर्जन थी, इसमें भी थोड़े चेंजेस किए गए थे, इसमें आपको ज़्यादा स्पेस मिलता था माइक्रा के मुकाबले में। पल्स एक अच्छी कार साबित हुई थी शुरू में, लेकिन बाद में इस गाड़ी को बंद कर दिया गया सेल्स की वजह से। अब मैं आपको वो कारें बताऊंगा जो रेनो कंपनी की मौजूद हैं और कब से मौजूद हैं, कितने साल हो गए हैं। रेनो डस्टर, ये 5 सीटर SUV गाड़ी है, इसे इंडिया में 2012 में लॉन्च करा गया था, इसे 8.5 साल हो गए हैं और गाड़ी की अब तक जो सेल्स हुई है 1,97,676 यूनिट बिकी है। ये कार पहले इंडिया में एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन के साथ लॉन्च हुई थी, पर BS6 इंजन नॉर्म्स की वजह से इस गाड़ी का डीजल इंजन बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से इसकी सेल्स पर काफ़ी फ़र्क पड़ा। लेकिन अब रेनो ने इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन लॉन्च करा था और गाड़ी की कीमत 9,57,000 से शुरू होती है। क्विड 5 सीटर हैचबैक गाड़ी और सबसे सस्ती कार यही है। इस गाड़ी को सितंबर 2015 में लॉन्च करा गया था, यानी इस गाड़ी को 5.5 साल हो गए हैं।
और गाड़ी की अब तक जो सेल्स हुई है 3,82,016 यूनिट बिकी है। क्विड इंडिया में पहले से ही काफ़ी पॉपुलर है। ये कार शुरू से ही 2 पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है और गाड़ी की सेल्स भी काफ़ी अच्छी होती है। इसकी लुकिंग SUV गाड़ी की तरह है। गाड़ी में 0.8 और 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है। गाड़ी की एक शोरूम कीमत 3,12,000 से शुरू होती है। फिर रेनो ट्रिबर, ये 7 सीटर MUV गाड़ी है। इस गाड़ी को 2019 में लॉन्च करा गया था जून के महीने में। इस गाड़ी को 1.5 साल हो गया है और गाड़ी की अब तक जो टोटल यूनिट बिकी है 70,683 यूनिट। ट्रिबर सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है और आने वाले टाइम में इस गाड़ी में एक टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलेगा। ये गाड़ी काफ़ी कम्फर्ट गाड़ी है और गाड़ी की कीमत 5,30,000 से शुरू होती है। फिर आई रेनो काइजर, इस गाड़ी को अभी लॉन्च करा गया है जनवरी 2021 में ही। इसको सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं और गाड़ी की सेल्स 3,226 यूनिट बिकी है। काइजर हाल ही में लॉन्च हुई है और इस गाड़ी को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। इसकी लुकिंग भी काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी पॉपुलर हो रही है। इस गाड़ी में 2 पेट्रोल इंजनों का ऑप्शन मिलता है, एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन और एक टर्बो पेट्रोल इंजन, और गाड़ी की कीमत 5,45,000 से शुरू होती है।